हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रचू यमी फूड डिलाइट में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए मैं लेके आ गई हूँ एक पैकेट रसगुल्ला मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, और मैंने इसके लिए एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। उसके बाद मैंने छोटे छोटे लोइयाँ बनाई हैं। लोइयाँ बना के मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने इसको गर्म ऑयल में मैंने इनको डिप करा, और मैं इसको फ्राई करूँगी लो टू मीडियम फ्लेम में। लो टू मीडियम फ्लेम में अगर हम डिप करेंगे तो अच्छे से रसगुल्ले अंदर तक पक जाते हैं। अगर हम हाई फ्लेम में करेंगे तो बाहर से जल जाएंगे, अंदर के कच्चे रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम जब हम रसगुल्ले अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे, इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो अच्छे से कलर आने के बाद हम इनको, एक तरफ मेरी चाशनी रेडी हो चुकी है तो मैं इनको चाशनी में डिप करूँगी। रसगुल्ले मेरे यहाँ पर फ्राई होने वाले हैं, और अब इसके बाद देखिए रसगुल्ले मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जो रसगुल्ले काले हो चुके हैं इनको मैं डिप कर दूंगी चाशनी में, और चाशनी में डिप करके मैं इनको 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैं चाशनी में रहने दूंगी, ताकि चाशनी अच्छे से रसगुल्ले में बैठ जाए और रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनको मैंने डिप कर दिया है, गुलाब जामुन को मैंने डिप कर दिया है चाशनी में, और बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये मेरे बेटे की डिमांड थी। आज मेरे बच्चे ने कहा था मुझे कि मम्मी रसगुल्ला खाना है, तो हम फटाफट से पैकेट लेकर के और इनके लिए मैंने घर में ही रसगुल्ले रेडी कर लिए हैं। देखो बाज़ार के रसगुल्ले महंगे भी पड़ते हैं और घर में बना के अच्छे भी रहते हैं, और बच्चे खा भी लेते हैं गर्मा गर्म, है ना। और ये देखिए रसगुल्ले बनकर कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो गाइस, आप भी घर में, अपने घर में ऐसे रेडीमेड मिक्स लेकर के आप भी बना सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया।